So hey, what's up guys, Harshir and back with another video. So guys, in this video, I'll show you how you can create your very own subscriber counter. So guys, मेरे लिए बहुत ज़्यादा frustrating होता था, मतलब मेरे को हमेशा अभी अपने subscribers check करने पड़ते थे, मुझे अपने mobile और खोलना पड़ता था, उसमें YouTube check करना पड़ता था, उस page को बार बार refresh करना पड़ता था, इसमें काफ़ी ज़्यादा time लग जाता था, एंड मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी. Alright, so आज ही सुबह मैंने एक Arduino के साथ ऐसी चीज़ बनाई जिससे आपके सब्सक्राइबर्स सारे छोटे से डिस्प्ले पर लिखे आ जाएंगे, एज यू कैन सी दिस. सो गाइज, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो भी आप इसको काफ़ी आराम से बना सकते हैं. आपको बस स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ. एंड ऑलराइट गाइस, तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें खरीदनी है, आपको एक Arduino बोर्ड चाहिए होगा और एक LCD शील्ड चाहिए होगी, मेरे पास लिंक्स इन दोनों के डिस्क्रिप्शन में, और आपको थोड़ी सी जंपर वायर भी चाहिए होंगी. ऑलराइट गाइस, मेरे पास इन तीनों चीज़ के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप इनको कभी भी जाकर क्लिक कर सकते हैं. एंड दिस थिंग विल कॉस्ट यू अराउंड ओनली 500 to 600 रुपीज़. अगर आप लोकल मार्केट में ट्राई करेंगे तो शायद सबको ज़्यादा सस्ते में मिल जाए, बट ऑनलाइन अगर आप ट्राई करेंगे तो 600 एंड मैक्स टू मैक्स 650, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं करेगा. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स जस्ट क्विकली ऑन गो ऑन टू दैट टेबल एंड ट्राई इट आउट. एंड सो ऑलराइट गाइस, जो भी चीज़ आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आपको सिर्फ यही चीज़ें चाहिए. एंड गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है Arduino Uno बोर्ड. मैंने इसके साथ पहले भी एक प्रोजेक्ट बना रखा है, सो अगर आपको वो भी चेक करना है, मेरे उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में. ऑलराइट, सो ये है एक LCD शील्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी आपकी जो भी आपका सब्सक्राइबर काउंट है वो यहाँ पर लिखा जाएगा. स्क्रीन काफ़ी गंदी हो चुकी है. ऑलराइट गाइस, सो ये हैं कुछ जंपर वायर्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं, ये आपको बड़े ही आराम से मिल जाएंगी कहीं भी. एंड गाइस, बेसिकली ये सिर्फ एक USB केबल है, ये आपको अपने Arduino Uno बोर्ड के साथ ही मिलती है. ऑलराइट गाइस, सो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें कुछ पिन्स हैं, इधर भी, और इसमें कुछ पिन्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इनको आपको Arduino के साथ कनेक्ट करना है. यहाँ पर फीमेल जंपर वायर्स के साथ आपको इनको Arduino में कनेक्ट करना है, इधर इन मेल वालों को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर. और राइट गाइस, मैं इसके साथ साथ आपको बोलता भी रहता हूँ कि आपको किस किस में क्या क्या कनेक्शंस करने हैं. एंड मैंने ये पूरे कनेक्शंस लिख भी रखे हैं जो आपको कनेक्ट करने हैं. मैं इस पूरे एक फोटो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, एंड उसके लिए आपको उसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी. और राइट गाइस, नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. सो मैं इसको थोड़ा जूम कर, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सारे. इस LCD का मतलब जो LCD के पैनल है, एनेबल पैनल RS, DB7, DB6, और ये है Arduino के. सो आपको एनेबल अपना Arduino के 9 पिन के साथ कनेक्ट करना है, RS वाला 8 पिन के साथ. ये सब पिन्स हैं, जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ये Arduino के पिन्स हैं. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द ग्राउंड वायर 5 वोल्ट, एंड दिस इज ऑल्सो ग्राउंड वायर. ये है आपके जो आपके जो पावर सप्लाई होगी आपके इस LCD के लिए, ये है वॉली 5 वोल्ट, और ये है उसका नेगेटिव टर्मिनल जो कि है ग्राउंड. और राइट गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे नेम्स काफ़ी आसानी से दिख जाएंगे. वेट, लेट मी जस्ट शो यू. और राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ERS W D1 D2 D3 D4, एंड यहाँ पर भी ग्राउंड, VIN एंड 5 वोल्ट. और राइट गाइस, सो ऐसे ही Arduino में होता है. वेट, लेट मी जस्ट शो यू. जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सारी पिन्स होती हैं वो ऊपर वाली साइड्स होती हैं. जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6. सो आपको उनको इधर कनेक्ट करना है, एंड इधर होती है पावर सप्लाई नीचे. वेट, लेट मी जस्ट शो यू. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है 5 वोल्ट और ये है ग्राउंड. सो आपको इधर पावर सप्लाई करनी है और इधर आपको इसमें कनेक्ट करना है. ऑलराइट गाइस, सो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. सो मैं इसको टाइम लैप्स फास्ट फॉरवर्ड वीडियो कर देता हूँ, एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. ऑलराइट, सो मैंने इसमें सारी जो जंपर वायर्स है वो इसमें लगा दिए, एंड नाउ आई विल कनेक्ट दी जंपर वायर्स ऑन टू दी Arduino Uno बोर्ड. एंड ऑलराइट गाइस, अब मैंने सारे कनेक्शंस तो कर दिए हैं, अब नेक्स्ट चीज़ है वो है पावर सप्लाई. सो नाउ लेट मी जस्ट शो कि पावर सप्लाई को आपको कैसे, इसको मतलब पावर कैसे देनी है. सो Arduino को जो आप पावर देंगे वो देंगे आप अपनी USB केबल से. सो Arduino में पावर आ गई है. अब जो Arduino की पावर है उसको हमें कनेक्ट करना है इसमें, क्योंकि हमें LCD डिस्प्ले में भी पावर देनी है. ऑलराइट गाइस, सो इसके नीचे आपको देखना पड़ेगा, जो ये पिन्स हैं यहाँ पे आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी एक ये 5 वोल्ट्स वाली पिन. सो ये थर्ड पिन है, 1 2 एंड 3, इसमें मैंने डाला ये. और गाइस, जो दूसरी आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी वो है ग्राउंड वायर, सो जो है सेकेंड वाली यहाँ से. और इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने Arduino Uno बोर्ड की ग्राउंड वायर, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और जो 5 वोल्ट वाली है उसको करना पड़ेगा 5 वोल्ट के साथ. वेट, लेट मी जस्ट डू दिस थिंग एज वेल. सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सारे कनेक्शंस कर दिए हैं,
एंड कनेक्शंस के बाद आपको ये कुछ आपका आर्डिनो और ये एलसीडी डिस्प्ले कुछ इस तरह की दिखेंगी। एंड सो ऑलराइट गाइस, नाउ लेट मी जस्ट क्विकली गो ऑन टू द लैपटॉप एंड मैं अपना प्रोग्राम इसमें डाल देता हूँ आर्डिनो बोर्ड में। एंड सो ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो फाइल्स आपको मिलेंगे जो नीचे जिप फाइल है, उसमें से आपको दो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको ये ओपन करनी पड़ेगी subs.ino। सो ऑलराइट गाइस, ये आइए ये ऐप तभी ओपन होगी जब आपके पास ये आर्डिनो की ऐप होगी। सो ये आर्डिनो ऐप अगर आपके पास ये भी नहीं है तो मेरे पास इसके भी लिंक से डिस्क्रिप्शन में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बड़ा ही फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप काफी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो जब भी आपको कोई प्रोग्राम डालना पड़ेगा अपने आर्डिनो में तो वो डलता है आर्डिनो ऐप के थ्रू ही। सो ऑलराइट गाइस, लेट्स जस्ट वेट। एंड सो ऑलराइट, यहां पे ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप ये इस प्रोग्राम के थ्रू ही आप अपनी डिस्प्ले पर अपने सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं। सो वेट, लेट मी जस्ट शो यू अनदर थिंग एज वेल। जैसे सो यहां पर लिखा हुआ है lcd.write ब्रैकेट में लिखा हुआ सब्सक्राइबर्स। सो अगर आप इस सब्सक्राइबर्स की जगह कुछ भी लिख देंगे अपना कोई शायद से 12 डिजिट लेटर, सो वो भी 12 डिजिट लेटर आपके डिस्प्ले पर डिस्प्ले पर आ जाएगा। सो जैसे मैं इसमें लिखूंगा अगर हर्ष शर्मा, तो वो हर्ष शर्मा भी मेरे डिस्प्ले पर आ जाएगा। एंड आई जस्ट शो यू दिस इन जस्ट अ मोमेंट। सो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको सब्सक्राइबर्स ही रहने देता हूँ, सब्सक्राइबर्स। एंड नाउ लेट्स जस्ट क्विकली अपलोड द प्रोग्राम। सो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस एरो टू अपलोड योर प्रोग्राम। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड वी विल जस्ट वेट। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं फटाफट अपने चैनल की लिंक कॉपी कर लेता हूँ एंड कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी, बूम। ऑलराइट गाइस, सो नाउ यू नीड टू क्लोज इट, और मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। और जो सेकंड एप्लीकेशन है आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा जो कि है सब्स प्रोग्राम। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी यूट्यूब चैनल की लिंक और क्लिक करना पड़ेगा गेट सब्सक्राइबर पर एंड क्लिक कर देना पड़ेगा आपको स्टार्ट पर। एंड ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट पर मेरे सारे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर लिख के आ जाएंगे। वेट, लेट मी जस्ट शो यू। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया है एंड बूम। सो गाइस, 4591 आर माई सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। सो वेट, लेट मी जस्ट चेक शो यू गाइस कि मेरे पास अभी कितने सब्सक्राइबर्स हैं। एंड वेट, जैसे कि आप देख सकते हैं 4591 आर माई टोटल सब्सक्राइबर्स एंड यहाँ पर भी 4591 दिखाई दे रहा है। सो ऑलराइट गाइस, नाउ लेट मी जस्ट ट्राई चेंजिंग दिस सब्सक्राइबर टेक्स्ट राइट ओवर हेयर। सो वेट, लेट मी जस्ट गो ऑन टू दैट थिंग ऑन माई प्रोग्राम। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आपको ये अपने पास आपके पास ये होनी चाहिए। सो वेट, नाउ लेट मी जस्ट पुट हर्ष इन इंस्टेड ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड यहाँ पे मैंने हर्ष डाल दिया और अब मैं इस प्रोग्राम को कर दूंगा अपलोड इसके ऊपर एंड बूम, देयर यू गो। अभी जैसे ही अपलोड होएगा आपको यहाँ पर हर्ष दिखाई देगा, बूम, देयर यू गो। सो अब मैं इसको दोबारा स्टार्ट क्लिक करूँगा एंड अगेन मेरे सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। सो हाउ कूल इज़ दिस थिंग। सो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी लगता है वैसे तो मेरे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मेसी लगता है, आई शुड नॉट से अनटाइडी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो अगर आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो आप इसके लिए एक हाउसिंग भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपके सिर्फ डिस्प्ले दिखाई देगी और बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी जस्ट रीनेम इट बैक टू सब्सक्राइबर्स। एंड ऑलराइट गाइस, सो हाउ कूल इज दिस थिंग। एज यू कैन सी दिस राइट हियर इज माय सब्सक्राइबर राइट नाउ एंड आई थिंक दैट दिस थिंग इज प्रीटी ईजी। यू कैन ऑल्सो मेक इट इन जस्ट आई गेस 10 मिनट्स और समथिंग। सो गाइज, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। सो गाइज, इसके काफ़ी ज़्यादा डीमेरिट्स भी हैं कि ये हमेशा जब रीलोड होती है तो ये एक मिनट के बाद रिफ्रेश होती है। सो मतलब अगर आपके कोई सब्सक्राइबर्स में चेंज आता है वो एक मिनट के बाद आएगा। और जिसका सेकंड डीमेरिट है, क्योंकि ये ESP मॉड्यूल नहीं है, इसमें ऑनबोर्ड वाईफाई नहीं होता है, इसलिए आपको इसको हमेशा अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। सो गाइस, ये दो डीमेरिट्स हैं इसके मेरे हिसाब से। तो अगर मेरे पास ESP82 मॉड्यूल होता तब मैं आपको बिना कंप्यूटर के बनाना भी सिखा देता। सो गाइस, फॉर नाउ आई थिंक दैट दिस इज प्रीटी मच इट। सो गाइस, आई थिंक दैट्स द फर्स्ट प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू गाइस मेड टिल द एंड, ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो एंड फॉर मेबी मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक दिस 4592 एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।